अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक हो, खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाई थी चिकन की सालन, तो सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर कर लूँ। मैंने सबसे पहले मसाला सारा तैयार कर लिया है, और अब यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया, उसमें ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल मैंने 1 चम्मच भर कर मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है, और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1-2 बड़े साइज़ के प्याज जो मैंने काट के रखे थे, वो मैंने इसमें ऐड किया। अब थोड़ी देर इसको हम चम्मच से हिलाएंगे, और जब तक ब्राउन नहीं हो जाते। और ये देखें जी, अब ये प्याज जो है यहाँ पर ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिकन। चिकन 1 किलो लिया है, और मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिए है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और सही से भून लेंगे। अब इसी तरह से 5 मिनट तक चम्मच हिलाते रहेंगे, और आप देख सकते हैं इसी तरह से हमने चम्मच की मदद से चिकन को हिलाना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि नीचे से जल ना जाए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर और हरी मिर्च जो मैंने कट करके रखी थी। टमाटर मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए हैं, 4-5 हरी मिर्चें हैं वो भी मैंने कट करके ऐड कर दी हैं। अब मैं इसमें ना इसको थोड़ी देर पहले अच्छे से घुमाती रहूँगी, और अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। मैं ऐड कर दूँगी पहले 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक ऐड किए है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 1/2 चम्मच मैंने हल्दी ऐड कर दी है, और हम इन चीज़ों को अच्छे से इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इस तरह से चम्मच को हिलाते रहेंगे। अब मैं यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए है सूखा धनिया जो मैंने दरदरा सा पीस लिया है, और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी कुछ खड़े मसाले। मैंने यहाँ पे लिए लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची और बड़ी इलायची। अब इन चीज़ों को ऐड करने के बाद अब हम इस चम्मच से अच्छे से घुमा लेंगे और सही से मिक्स भी कर लेंगे। 1/2 घंटे तक हमने अच्छे से भुनाई की है, और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी। पानी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 भर कर गिलास मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जितना पानी ऐड करें आप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी कुछ हरी मिर्च, और अब इसको हम ढक्कन से कवर कर देंगे 5 मिनट तक, जब तक बॉयल नहीं आता, अच्छे से पकने देंगे। अब यहाँ देखिए बॉयल आ चुका है, और ये देखिए अभी मतलब सालन भी बनकर रेडी है। मुझे इतना शोरबा ही चाहिए, और अब मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी गर्म मसाला। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, यहाँ देखिए मैंने ना 1/2 चम्मच जितना मैंने गरम मसाला ऐड किया है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरा धनिया, और यहाँ पे हरा धनिया मैंने कट के रखा था बिल्कुल बारीक बारीक, वो मैंने ऐड कर दिया। और फाइनली मेरी चिकन की सालन बनकर बिल्कुल रेडी है। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। मेरा बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दिया करें, और यहाँ पर मेरी डिश आउट कर लिए है। और आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखा करें, स्किप बिल्कुल ना किया करें, ताकि मेरा वॉच टाइम भी जल्दी से पूरा हो जाए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।